हेलो दोस्तों, आज हम सबको पसंद आने वाला मिठाई बनाएंगे। इसको काला जाम या काला जामुन मिठाई भी बोलते हैं। ये मिठाई गुलाब जामुन से थोड़ा सा अलग है। इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है और स्वाद में भी ये गुलाब जामुन से ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं हूँ श्रद्धा, स्वागत करती हूँ आपको श्रद्धा हॉटपॉट में। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। मिल्क को हमें उबाल के गाढ़ा करना होता है। मिल्क में अच्छे से उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई भी आ जाता है, तो हमें उस मलाई को मिल्क के साथ कुक करना होता है। ऐसे करने से मिल्क हमारा बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो आप अभी देख सकते हैं मिल्क हमारा गाढ़ा होने लगा है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें अभी ही गैस को बंद कर देना है और इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना होता है। तो आप देखिए ठंडा होने के बाद इसका कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो गए हैं। बिल्कुल हमें एक कंसिस्टेंसी ही चाहिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आधा लीटर दूध से हमें इतना मावा या खोया मिला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैं यहाँ 3.5 टेबलस्पून मैदा ले रही हूँ। बाद में अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम ऐड करेंगे। सूजी या रवा 1.5 टीस्पून में ले रही हूँ। एकदम फाइन वाला सूजी आप ले लीजिए। मिल्क पाउडर करीब 4 टेबलस्पून ले रही हूँ। उसके साथ फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून चीनी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करने से बहुत अच्छा सा कलर आता है। 1 टीस्पून घी मैं यहाँ ले रही हूँ और सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। काला जामुन को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। आप चाहे तो मार्केट से रेडीमेड खोया या मावा लाके भी बना सकते हैं, मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। डो हमारा थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे। आप चाहे तो मैदा या मिल्क पाउडर मिला के आधा आधा डाल सकते हैं। मैदा डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, करीब 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाने के टाइम में डालते हैं। अच्छे से मिला देंगे सबको। डो पानी हो जाए तो काला जामुन हमारा अच्छे शेप में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डो जो है वो बनके रेडी हो गया है। डो बनाने के बाद अभी हम इसको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दे देंगे, 10-15 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं यहाँ एक बर्तन में ऐड कर रही हूँ 1 कप एंड 3/4 कप चीनी। उसके साथ मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। आप जितना चीनी उतना पानी भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं 2 इलायची को क्रश करके यहाँ डाल रही हूँ। एक बात का यहाँ ध्यान देना है कि काला जामुन हमारा अच्छे से चाशनी में डूब के रहना चाहिए, ताकि काला जामुन अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर पाएगा और एकदम सॉफ्ट एंड जूसी बनेगा। तो चाशनी अभी हाथ को थोड़ा सा चिपचिपा लग रहा है, ये ठंडा होने के बाद और भी सेट हो जाएगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे।
आप चाहे तो हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा लेमन स्लाइस। लेमन स्लाइस ऐड करने से इसमें शुगर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और हमारा चाशनी बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो अभी हमारा चाशनी बिल्कुल रेडी है, अभी ढक के इसको रख देंगे साइड में। तो डो हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपका डो थोड़ा सा टाइट या हार्ड लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ डो को दो छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखी हूँ, इसका मैं स्टफिंग बनाने वाली हूँ, और उसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ अच्छे दिखने के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ और एक पार्ट में रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। मैं अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमारा जो बड़े पार्ट का डो था उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, और आधे में हम येलो कलर वाला स्टफिंग फिल करेंगे और आधे में लाल कलर वाला स्टफिंग फिल करेंगे। तो डो को हमें अच्छे से हाथ के ऊपर ऐसे प्रेस करके राउंड शेप बनाना है और उसके अंदर स्टफिंग रखना है, और स्टफिंग को ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके अंदर तक राउंड शेप देना होता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है। और एक बात का ध्यान देना यह है कि काला जामुन के ऊपर, जब हम काला जामुन बना रहे हैं इसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। तो जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे या चाशनी में डालेंगे ये फट सकता है, और ये देखने के लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा और खाने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात का ध्यान आप जरूर दें। अब हम सारे डो में स्टफिंग भर दिए हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक फ्री हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के टाइम ये बात का ध्यान देना है कि ऑयल हमारा बिल्कुल लो हीट में रहे, जैसे कि अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हमारा कोई भी नुकसान ना हो। सारे डो डालने के बाद हम इसके फ्लेम को बढ़ाएंगे। काले जामुन को गुलाब जामुन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई करना होता है, तो इसलिए ये गुलाब जामुन से थोड़ा सा हार्ड लगता है और टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये फ्राई करने के बाद हमें इसको बिल्कुल गरम गरम चाशनी में डालना होता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर गुलाब जामुन से थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो हमारा फ्राई हो गया है, इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और चाशनी का टेम्परेचर चेक करते हैं। चाशनी हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो चाशनी बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैं इसको फिर से गर्म कर रही हूँ, और अच्छे से गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और उसमें हमने जो काला जामुन बनाए हैं उसको डाल देती हूँ। चाशनी में डाल के एक घंटे के लिए आप इसको रख दीजिए। एक घंटे बाद आप इसको खा सकते हैं। काला जामुन को आप मावा या ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। एक घंटे के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि काला जामुन हमारा कितना सॉफ्टी एंड स्पंजी बना है। मैं इसको कट करके भी आपको दिखा देती हूँ। अंदर से परफेक्टली जूसी एंड मॉइस्ट बना है ये। इस रेसिपी को आप आपके घर में जरूर ट्राई कीजिए। आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।